देवास में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान मंत्री जीतू पटवारी और भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच जमकर विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने और गंगा इंडस्ट्री की जांच के मसले पर यह सारा विवाद हुआ। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंत्री पटवारी ने भाजपा सांसद से कहा कि अपना सामान्य ज्ञान दुरुस्त करके आओ, मैं आपको उठा के यहाँ से बाहर कर सकता हूँ। जिला योजना समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मंत्री जीतू पटवारी और बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच जमकर बहसबाजी हुई। दोनों नेता एक दूसरे पर आंखें तरेरते हुए नजर आए। इन दोनों में पहले बैठने की बात को लेकर, फिर अतिक्रमण और गंगा इंडस्ट्री की जांच की बात को लेकर बहस हुई। ऐसे में देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से भी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की बहस हुई। बैठक में जीतू पटवारी ने कहा, सांसद जनप्रतिनिधि है, उसने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया है, इसका सबक सही समय पर इन्हें दिखाना है। ये सुनकर बीजेपी सांसद ने कहा, देवास शाजापुर लोकसभा के 18 लाख मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं ये। कांग्रेस जिस प्रकार का अन्याय यहाँ पर कर रही है देवास की जनता पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, वो विषय को मैंने उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसने अतिक्रमण किया है कार्रवाई की जानी चाहिए थी मगर कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप मुझे नाम दीजिए। तो मैंने तभी एक गंगा इंडस्ट्री, जिसकी लगातार मेरे पास शिकायत आ रही थी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गंगा इंडस्ट्री किसकी है, लेकिन लगातार उसकी शिकायत आ रही थी कि गंगा इंडस्ट्री ने वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि गंगा इंडस्ट्री की जांच करवाई जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। इसी बात को लेकर वहाँ पे जो दलाल सज्जन सिंह वर्मा, जो कमलनाथ सरकार की दलाली करता है, उसका कोई अनाधिकृत प्रतिनिधि वहाँ पर बैठा हुआ था, वो इस बात को लेकर भड़क गए। उन्होंने मेरा अपमान किया और साथ ही देवास शाजापुर के उन 17 लाख मतदाताओं का अपमान किया जिन्होंने मुझे चुना, और वहाँ पर मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। जो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार यहाँ की जनता और कार्यकर्ता के ऊपर कर रहे हैं, उस आवाज़ को उठाने नहीं दिया गया, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। बैठक में बहस के दौरान मंत्री पटवारी ने सांसद से कहा कि नियमों के तहत मैं आपको उठाकर इस बैठक से बाहर कर सकता हूँ। अगर हमारी समय इतनी कम है, सांसद बनना मोदी जी की लहर में बन गए, पर अपना व्यक्तित्व बनाना आप इसकी लहर में बन गया है, आप बन गया है, ये प्रमाण पत्र आपको देने के लिए जनता ने मुझे चुना, जनता का प्रतिनिधि हूं मैं। ये तरीका, इनको जरा सामान्य ज्ञान आप पार्टी में सामान्य ज्ञान आपके बाहर कर सकता हूँ, उठा के बाहर कर सकता हूँ। सांसद हूँ यहाँ, सांसद है तो आप देवास की जनता की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों शांत हुए और बैठक शुरू की गई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर पटवारी और सोलंकी में विवाद बढ़ गया। सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे पहले भी जियोस की बैठक में पटवारी और सोलंकी के बीच विवाद हो चुका है। बैठक के बाद पटवारी ने कहा, सांसद जी जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे, बार बार हाथ और उंगली दिखाकर बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि इस पद की गरिमा होती है, आप जज की भूमिका में यहाँ आए हैं। मैंने ये कहा कि विधायक जी जिस तरीके से तू तू तेरा तू करेगा, बार बार सांसद जी बार बार इस तरीके से भाषा बोल रहे थे, हाथ और उंगली दिखा रहे थे, वीडियो में आप लोगों के आ गया होगा। आपने कहा, तो मैंने कहा कि एक इस पद की गरिमा होती है। तो फिर उन्होंने जो वक्तव्य दिए उसको लेकर मैंने कहा कि ये ऐसी भाषा बोलना किसी पद के लिए नहीं होता है, आप इसकी अपेक्षा आपसे नहीं थी, आप जज की भूमिका से यहाँ आए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।